और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बारिश मानसून से जुड़ी हुई बड़ी खबर, हिमाचल में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। आज और कल के लिए भारी बारिश का आसार है। लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर प्रदेश के जो बाकी 11 जिले वहां पर खूब बारिश की संभावना जताई गई। 4 सितंबर को किन्नौर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन के लोगों से बार बार यही अपील है कि एहतियात बरते, अति संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी बनाकर रखें या फिर जहां पर पहले लैंडस्लाइड हो चुका है उन क्षेत्रों के आसपास बिल्कुल भी मत जाइए, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। आज और कल पहाड़ों पर खूब मेघ बरसेंगे। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 11 जिलों में खूब बारिश होगी। लाहौल स्पीति को छोड़कर 4 सितंबर को किन्नौर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। अब तक प्रदेश में भारी बारिश की वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है। पूरे हिमाचल में बात की जाए तो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, अब तक सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ। और इसी बीच एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन की तरफ से अपील की गई कि एहतियात बरते। हमारे ब्यूरो विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, आज और कल के लिए खूब बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, सबसे पहले ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वक्त मौसम कैसा? बिल्कुल, देखिए शिमला में भी आज धूंध छाई हुई है। हालांकि सुबह के वक्त मौसम जो है वो थोड़ा खराब जरूर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मौसम खुल रहा है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि दोपहर बाद जो है अचानक से मौसम फिर बदलाव उसमें हो सकता है और शिमला समेत जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश जो है एक बार फिर हो सकती है। बीते कल की अगर बात करें तो दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जो है वो जारी रहा, लेकिन इसके बावजूद जो अगर अन्य जिलों की हम बात करें तो पिछले कल कई जगहें ऐसी हैं जहां पर भारी बारिश हुई है। और इसी कड़ी में अगले दो दिन, यानी कि ये कहा गया है कि आज का दिन और अगला सोमवार का दिन, ये दो दिन ऐसे हैं जिसमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी में साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ एक इलाके ऐसे होंगे जहां भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो हो सकती है, लिहाजा लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है और जरूरी काम से ही घरों से निकले। और ऐसे में अगर बारिश जिस तरह से हो रही है, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो पूरे मॉनसून सीजन के दौरान देखने के लिए मिली है, भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है, जानी नुकसान यहाँ पर हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो अब तक सामने आ चुका है। इतना नुकसान इससे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश की चेतावनी जारी की गई है लोगों को संभल कर रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो अगर हम नदियों के जल स्तर की बात करें तो लगातार नदी नालों के जल स्तर जो है वो बढ़ सकते हैं और उससे भी लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। और एडवाइजरी के तौर पर राज्य सरकार कह रही है कि नदी नालों से थोड़ी दूरी जो है वो बनाए रखें, भूस्खलन वाली जगहों पर जाने से थोड़ा परहेज जो है वो लोगों को यहाँ पर करना होगा। बर्फबारी, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि सितंबर के महीने से ही बर्फबारी, हल्की बर्फबारी जो है वो दर्ज की जाती है, और इसी कड़ी में पिछले 24 घंटों में भी जो रोहतांग है, मनाली है या इसके आसपास के जो ऊंचाई वाले जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बर्फबारी होने के बाद अब तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। जो अधिकतम तापमान है वो गिरने शुरू हो गए हैं, लिहाजा सुबह शाम की ठंड जो है वो पहाड़ों पर फिर से लौट आई है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी है और बताया कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके, वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई है।